आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फाइंड करते हैं तो फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको मिलता है सेंड एंड ईमेल, दूसरा मिलता है आपको सेंड एंड एसएमएस, तीसरा मिलता है आपको लॉग इन विथ फेसबुक, ठीक है। अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ईमेल के थ्रू क्रिएट किया है तब आपको यहाँ पे सेंड एंड ईमेल आपको करना है। अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ईमेल के थ्रू क्रिएट नहीं किया है, अगर आपने फेसबुक के थ्रू क्रिएट किया है, ठीक है, या फिर अपना मोबाइल नंबर के थ्रू क्रिएट किया है, तब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन ही आपको यूज करना है, सेंड एंड एसएमएस या फिर लॉग इन विथ फेसबुक, ठीक है। अगर आपको अपना फेसबुक अकाउंट याद नहीं है तो आप ओटीपी के थ्रू या वेरिफिकेशन कोड के थ्रू आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे आपको सेंड एंड एसएमएस पे टैप करना है, ठीक है। सेंड एंड एसएमएस पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, जिसका लास्ट डिजिट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आप अपना जिस भी मोबाइल नंबर से इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट किए होंगे या अपने अकाउंट को वेरीफाई किए होंगे, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट आपको यहाँ पे शो होगा, उस पर ये वेरिफिकेशन कोड गया होगा। वो कोड जब आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया है, अब ये अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।